ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਫੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ कोई मंदिर के उत्ते हमला नहीं होया सिर्फ मंदिर के बाहर एक झड़प हुई है वो जी झड़प हुई वह भी मंदभागी है नहीं होनी चाहिए सी लेकिन मंदिर के बाहर हुई झड़प में जोड़ा है मंदिर के उत्ते हमला जोड़ा गर्दानिया गया और पेश किया गया ये बहुत मंदभागा है तुम देखो कि 1984 के दहाके के दौरान पंजाब के हालात कितने खराब रहे ने उस समय भी भारतीय फौज ने हालांकि 35 गुरद्वारा साहिबान के उत्ते हमला बोलिया सी लेकिन बदले दे विच किसी सिख ने पंजाब के विच कदे किसी मंदिर के उत्ते हमला नहीं किया सिख कदे किसी के धार्मिक स्थानों के उत्ते हमले नहीं करते होंगे हाँ 1984 के नवंबर के पहले हफ्ते जो भारत के सिखा का नरसंहार होया उस दौरान गुरुद्वार के उत्ते हमले जोड़े आ जरूर हुए थे कनेडा की धरती के उत्ते मंदिर के बाहर एक छोटी जमोई झड़प में भारतीय मीडिया ने खास तौर के उत्ते और सोशल मीडिया के उत्ते बैठे हुए शरारती अंसर ने जोड़ा है सिखा वालों मंदिर के उत्ते हमला जोड़ा वो गर्दानिया ये बहुत गलत है सिखा खिलाफ बरतान सरजा जा रहा है उल्टा माल्टन गुरुद्वारे के उत्ते जोड़ा है बाहर गड्डिया की भन तोड़ जी की है कुछ शरारती अंसर ने वो मंदभागा है मैं समझता कि कोई हमला नहीं है किसी मंदिर के उत्ते और ना ही सिख किसी के धार्मिक स्थान के उत्ते हमला एयरपोर्ट की कृपान पाते रोक लाई है कि कृपान पा के मुलाजम जड़े हैं काम नहीं कर सकते ये मंदभागा है जो भारत के विच भारत का अमृतसर के विच होया जी एयर इंडिया ने ऐलान दिता है एक नोटिफिकेशन जारी होया जयदार साहब एक सुन लियो तुसी एक नोटिफिकेशन जारी होया है चिट्ठी राही एयर इंडिया का कोई भी मुलाजम है जिहड़ा एविएशन वाला वो ना तो कृपान पा सकता है ना सिरी साहब पा सकता है ना ही कोई खंडे वाली चेन पा सकता है ना ही वह कृपान वाली कोई चेन पा सकता इजाजत भारत का कानून भी दिता है भारत का संविधान भी दिता है जे भारत इंडियन एयरलाइन जी है जो इस तरह की कोई हरकत करती है तो यह जरा है एक किस्म का साडा संविधानक हक भी खोया जा रहा है और गुरु साहिबान ने बैठक कर रहे हैं मैं कहना सिखा खिलाफ बर्ताव जा रहा है मंदिर के बाहर हुई छोटी जी झड़प में सिखा वालों या पूरी कौम वालों जोड़ा है मंदिर के उत्ते हुए हमला जोड़ा है वह दसिया जा रहा है यह बहुत गलत ये जो मसला है अब विचारिया जाएगा अंदर ये जो दो तीन मेन मुद्दे ने चाहे देखो मैं एक गल कह दिया कि श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो अकाली दल का जन्म होया सब तो वड्डा अकाली दल का जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा सब तो वड्डा कस्टोडी है ना वो श्री अकाल तख्त साहब है और जिहड़े यूथ अकाली दल के जिहड़े वर्कर ने या अहुदेदार ने जिवें तुसीं दस रहे हो कि अज की मीटिंग बारे नैगेटिव पोस्टा पा रहे हैं मैं उन्होंने यही ही कहना चाहना है कि श्री अकाल तख्त साहब जिहड़ा अकाली दल का सोमा है और जो कोई भी चीज़ आपके सोमे नालों टुटती है तो वो खत्म हो जाती है जिन्ना चर श्री अकाल तख्त साहब है श्रोमणी अकाली दल सुखबीर बादल श्रोमणी अकाली दल नूं कुछ नहीं होने वाला है श्रोमणी अकाली दल सिखां दी नुमाइंदा जमात है ये मैं दसना चाहना कि जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब को तनखाइया सिर्फ श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह नूं ही करार दिता गया श्रोमणी अकाली दल नूं बिल्कुल नहीं इस करके श्रोमणी अकाली दल के वर्कर श्रोमणी अकाली दल नूं मजबूत करन श्रोमणी अकाली दल दी अज अज कोई फैसला होएगा सुखबीर बादल दे उत्ते अज विचारिया जाएगा कुछ सवाल सिंह साहब आप और मेरी सेवा दौरान भी विद्वाना के अकाठ जो बहुत बार बुलाए गए।